हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे चावल के आटे से पूरी। चावल के आटे से पूरी या रोटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, टूट जाती हैं या फूलती नहीं हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊंगी पूरियां, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी और साथ में ही नमक डाल दूंगी। उसके बाद इसमें आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच जीरा डालेंगे। सारी चीजों को एक बार मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें 1 कप में चावल का आटा डालूंगी। मैंने 2 कप पानी लिया था, तो इसमें 1 कप चावल का आटा डालना है। कोई भी एक माप सेट कर लीजिए, उससे आप दोनों चीजों का माप ले सकते हैं। तो अब इसे मिला देंगे आटे को। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसे ऐसे मिलाते हुए थोड़ी देर चला लेंगे, जब तक ये डोसा तैयार ना हो जाए। ये देखिए हार्ड हार्ड होता जा रहा है, ऐसे ही पूरा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे निकाल देंगे। ये अब पूरी बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर निकाल के ठंडा कर लेंगे। एक प्लेट में मैंने निकाल दिया है, ये देखिए। अब आटे को हाथों से थोड़ा गूंद लेंगे। अभी थोड़ा सा ये गर्म है, गूंद गूंद के ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी पूरियां तैयार करेंगे। आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, अब हम पूरियां तैयार करेंगे। तो पूरियां बनाने के लिए मैंने एक पॉलिथीन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के उस पर फैला दिया है। पॉलिथीन और ऑयल का यूज करने से जो हम पूरियां बनाएंगे वो इसमें नहीं चिपकेंगी, नहीं तो चावल का आटा ऐसे चिपक जाता है। हम सिंपल तरीके से बनाएंगे तो तभी इस पॉलीथिन का यूज करना है। और इसे हम ऊपर से ऐसे कवर करेंगे, उसके बाद बेलेंगे, धीरे धीरे से बेलेंगे। चावल के आटे की पूरियाँ बनाना बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। नॉर्मल पूरियों से भी टेस्ट अच्छा आता है इनका, और बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप इसी तरीके से मैं सारी पूरियों को बेल के तैयार कर लूंगी। उसके बाद पूरियों को हम तलेंगे। इसी तरीके से आप रोटियां भी बना सकते हैं चावल के आटे की, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ऊपर से पॉलिथीन निकाल देंगे और इसे हम ऑयल में डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तेल को मैंने गर्म करके रखा हुआ है, अब इसमें मैं पूरी डाल दूंगी। और ऊपर से थोड़ा सा हम दबा लेंगे, इससे पूरी फूल जाएगी। उसके बाद पूरी को हम पलट देंगे। देखिए फूल रही हैं। जैसे हम गेहूं के आटे की पूरियां बनाते हैं उसी तरीके की बन रही हैं, और खाने में तो उससे भी टेस्टी बनती हैं। पूरी को ऐसे दबाते हुए ही फ्राई करना है, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पूरी को मैंने पलट दिया है, अब इस उस तरफ भी थोड़ी देर और पकने देंगे। अब मैं पूरी को निकाल दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सफेद पूरी। इसी तरह से मैं सारी पूरियों को तल के निकालूंगी। चावल की पूरियों को आप कभी भी बना सकते हैं स्नैक्स या ब्रेकफास्ट में, बहुत ही टेस्टी होती है। चावल की बनी हुई पूरियों को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें।